ಆಗಿ ಸೆನ್ಸ್ 1951 केजीएफ में किस किरदार के ना होने से बदल जाती है पूरी कहानी, क्या केजीएफ 2 की कहानी पर भी हो सकता है असर। स्वागत है आपका टॉलीग्राफ स्टूडियोज में। केजीएफ 2 साल की सबसे बड़ी मूवी बनने को तैयार है। 16 जुलाई को रिलीज के बाद शायद ये पिछले फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 में, जब कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म में अपने रॉकी किरदार से पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए। गैंगस्टर रॉकी की जर्नी और मेन विलन के गरुड़ा के साम्राज्य में उसकी एंट्री को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था, जिसे कारण ऑल ओवर इंडिया में इसे पसंद किया गया। जाहिर है मेन लीड रॉकी का किरदार तो काफी सोच समझ कर लिखा ही गया था। उसके साथ साथ फिल्म के एक ही कैरेक्टर को चंद पलों का रोल भी काफी कुछ और हो जाता है। हम इसकी बात कर रहे हैं, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं फिल्म के उस सीन की, जिस वक्त सभी दर्शकों की आंखें स्क्रीन पर अटक गई थी और दिल तेजी से धड़क रहा था, यानी कि जब रॉकी द्वारा मेंटेनेंस रूम में जाने के इल्जाम एक साथ सब जो है मजबूरी में ऊपर उनका साथी जो है लगा देता है और गरुड़ा के लोग उसे मार देते हैं। उसी में सभी सांसें मानो रुक सी गई, लेकिन अपनी वाइफ और बच्चे के लिए उसके उस बलिदान ने उस समय के लिए रॉकी की जान बचा ली। लेकिन कहानी क्या होती अगर ये स्लेव ना होता, या फिर ये स्लेव भागकर आगे रॉकी की करामत भटकाकर गुंडों के नजरों में अपने नंबर बढ़ाना ना चाहता होता तो? हमारे ख्याल से अगर ऐसा होता भी तो जाहिर है रॉकी इतनी आसानी से मारा तो नहीं जाता, लेकिन शायद हमें एक इंटेंस फाइट सीन और रन एंड चेस सीक्वेंस देखने को मिल सकता था, जिसके बीच ही रॉकी गरुड़ा के महल में घुस जाता और पूरे राज्य में सर्च जारी किया जाता, और इसी बीच यश चुप चुप के गरुड़ा के एक एक गुंडे को पकड़ कर मार देता और फाइनली गरुड़ा रॉकी का आमना सामना हो जाता। वैसे तो इसे केजीएफ 2 की कहानी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि ठीक जिस तरह अधीरा को केजीएफ में हो रही सारी चीजों की खबर है, वैसे ही रॉकी को भी अधीरा के जिंदा होने की खबर है, और इस रन चेस सीक्वेंस में वो अधीरा के लिए भी एक मैसेज छोड़ता है। फिर फिल्म केजीएफ 2 में रिवील किया जाता है कि वो लेटर अधीरा के लिए था, और फिर अधीरा भी स्मर्क करके रहता है। वो जानता है मैं आएगा और अब होगा ना बराबरी का और मुकाबला। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर प्लॉट यही रहता तो ये फिल्म क्या बेहतर हो सकती थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपासना पांडे ने।